ये देख रहे हो पलटन आई तो नवाब की, भाग कहाँ गई है? डेजी, नवाब, चिंटू, गोलू भोलू, काली आजकल आई नहीं रही, मेरे को देखती भाग जाती है। प्रीती, अले 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 अले, कुछ नहीं कहोगे तुम लोग? यार ये बच्चा ना अटैक करता है नवाब पे, पूंछ लाने में मत जाना इसके, एकदम से पूंछ लाता है एकदम मुंह पकड़ता है। प्रीती बोलो यार, क्यों नहीं आने देते इसको ये दोनों भाई? देखना गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो यहाँ पे गोलू भोलू कम थे, जो एक भाई साहब मेरे पीछे देख रहे हो वो ट्विटी के गार्ड बन के आ गए हैं। अब वो भी नवाब को नहीं खेलने दे रहे ट्विटी के साथ। गोलू भोलू मुझे तो लगता है गोलू भोलू की कमी थी भाई, तू भी एकदम पजेसिव होके आ गया, और इसने अभी इस पे गोलू पे अटैक भी कर दिया और नवाब को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज की वॉक तो ऐसे रही डरी डरी सी, अब क्या कर सकते हैं, उसका एरिया है वो यहीं रहता है। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, इधर गोलू उधर, अब गया है उधर। आजा ट्विटी, अब आजा ट्विटी को मिलने ही नहीं दे रहा है यार, आने ही नहीं दे रहा हमारे पास। आजा ट्विटी, आजा मेरे बच्चा, आजा, देख रहे हो, आजा आजा जल्दी आजा, आजा शाबाश। अगर तूने कुछ कहा ना लड़की, तो हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। और ट्विटा अले मेला ट्विटा ट्विटा, और जो दीदी का ट्विटा, तेरे को कुछ कहे ना मुझे बताइयो, क्या 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 परेशानी इनको? ट्विटी 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 ट्विटी, ओ ट्विटी, आपको पता है ट्विटी आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आते हो। अब नवाब साहब को खिलाया जा रहा है खाना, वो भी दही राइस, अब इनको खाना नहीं। मैं एकदम नहा धो के रेडी, ब्रेकफास्ट मैंने हाथ में ले लिया है, फोन भी हाथ में है, गाड़ी में बैठ के करूंगी। और नाबू बैठा है, तबीयत ठीक होती ना आपको लेके जाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे गर्मी है और हमें काम है कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे ये कैसे रहेगा, तो इसलिए इसको घर पे छोड़ के जा रहे हैं ताकि आराम से अपने एसी में आराम से रूम में सोए, है ना नाबू? हम लोग जा रहे हैं करनाल, 200 किलोमीटर जाना 200 किलोमीटर आना, तबीयत ठीक नहीं है नवाब की। पहले यही प्लानिंग थी कि नवाब ही जाएगा साथ में, मम्मी ने स्पेशली बोला था कि नब्बू जरूर आए, लेकिन जब इसकी कल तबीयत खराब हुई तो अब नहीं लेके जा रहे इसको, क्योंकि गर्मी में परेशान हो जाएगा, हम पूरा टाइम कोर्ट में रहेंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं नवाब की दुनिया के पास में, क्योंकि जीवन का ब्रेकफास्ट देके आ रहे हैं। सिर्फ सेक्टर का ये वाला रास्ता खुला है, बाकी सारे जितने भी है ना 4-5 सब पे गेट लग चुके हैं। तो रोहन जब सुबह आए थे ना नवाब की दुनिया से, तब बहुत घूम के आना पड़ा था, तो अभी यहाँ से रोहन जा रहे हैं जीवन का खाना। आज ना हमारे लिए ना बहुत मतलब खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हम लोग ना बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। जब नवाब की तबीयत खराब हो गई ना कल, तो कल से मन ठीक नहीं है, और नवाब को लेके जाना था वहाँ पे, नवाब के कदम सबसे पहले डालने थे मैंने वहाँ पे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मम्मी और भी बोले, और डॉक्टर ने भी बोला कि, और मेरा गला खराब है 2 दिन से, पता नहीं क्या इन्फेक्शन सा हो गया गले में। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप इसे लेके मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह नहीं मिलेगा, गर्मी से तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, और हमें पूरा टाइम वहाँ पे कोर्ट कचहरी में केस मतलब चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ा है। और बहुत मतलब ऐसे है कि जाना और आना, और जितना टाइम लगेगा काम में, हम लोग घर भी नहीं रुकने वाले। अब आ गया अपना केएमपी, और यहाँ पे होगी बकचोदी। कैसे? टोल में पैसे नहीं है सर, आपके टोल खत्म हो चुका है सर, आपके तो टैग में फास्टैग में पैसे नहीं है सर, आपके एक्स्ट्रा लगेंगे सर, ये आपका जीसी नंबर से लगा हुआ है सर, पेटीएम वाला अलग होता है सर, आपको कैश देने पड़ेंगे बाद में आपके अकाउंट से निकाल लेंगे डबल डबल करके। तो यहाँ से अभी तो हमें शायद एंट्री करनी है, एग्जिट तो वहाँ पे होगा ना राई में। बड़ी भाई जेसी नंबर से लगा हुआ है, मजबूरी में जा रहे हैं, जो करना है कर लो, बट एग्जिट हो जाएगा ये क्या था बोले भाई साहब, चले जाइए आप, उसे ऐसे क्या कहते हैं रोहन, चले जाइए आप। रोहन ने ना पहले ही अपने सारे जितने भी रोने धोने थे सब पहले ही कर दिए, भाई साहब जेसी से लगा हुआ है, और क्या क्या जेसी से लगा हुआ है, जितने जहाँ से पैसे लेने ले लो पर जाने दो, उन्होंने कहा भाई साहब चले जाइए आप, अब देखते हैं एग्जिट होता है कि नहीं, एंट्री तो हो गई। ये बंदा बहुत झूठा है, नहीं बात इसकी नहीं हो रही कि कहीं पैसे नहीं है, लेकिन ये बकचोदी करते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं टोल पे, अब देखते हैं एग्जिट होता है कि नहीं।
लोग ने केएम पे तो चढ़ गए हम लोग। यहाँ पे नहीं, ये मेट्रो का डिपो आई गेस, तो यहाँ पे खड़ी है मेट्रो और इतनी सुंदर लग रही है ऐसे खड़ी हुई, ऐसे फॉरेन वाला फील आ रहा है। ये है मेरठ वाली मेट्रो। तो भाई आ गई वो एग्जिट की जगह जहाँ पे होगी अब होगी बख्शाती क्योंकि अब हमें होना है एग्जिट। एंट्री में तो उसने कहा जाओ 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 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब होगा जो होगा। दीदी है यहाँ पे। दीदी चेसी नंबर से एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी थी, कल ही आई है, समझ सकते हो हटानी है, इमरजेंसी में जा रहे हैं, या तो चेंज कर। मैम बैलेंस है बट वो ना उन्होंने अभी वही बोला था कि आपको ना चेंज कराना पड़ेगा, पेटीएम का है। अच्छा पेटीएम है। हाँ तो ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी तो सर आपने पीछे गाड़ी करके आगे फास्ट टैग बना रही प्लीज। मैम मैं साइड में करके करा लेता हूँ, कोई आगे नहीं जा पाएगी। अरे ट्रस्ट में मैम, सर आगे का रूल नहीं है आगे, आप गाड़ी। अरे मैम हमारा सुबह 650 रुपए का फटका, यहाँ पे सिक्योरिटी दी थी इन्हें 600 रुपए, वो लेने जा रही हूँ अभी। 50 5017 पॉइंट 05। अरे सत्रह ठीक है ना भाई, सारा ठीक है ना। हाँ इतना सारा पेट्रोल मेरे अकाउंट से कटवाया तुमने, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ पैसे नहीं है, पैसे का काम करने जा रहे हो, पैसे ही नहीं है। अभी जनता को पता चलेगा ना वो आप पे हंसेगी। पैसे नहीं है। अभी डलवाया पेट्रोल, रोहन ने वीडियो बनाई, लेकिन रोहन ने बनाई आधी वीडियो, पूरा सच मैं बताती हूँ। खुद बंदा डलवाएगा 999 का, 1999 का, 5000 की चेप ही मुझे लगाई है। क्यों भाई है? मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी ऐसे होते हैं। हाँ, मैं ज्यादा पैसे वाली हूँ, जब भी रोहन फुल कराते ना टंकी तो मेरे अकाउंट से होती है, मेरी आंखें ऐसे फट जा रही है, मेरे को किस बात की चेपी है ये? गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी आपकी है, उसमें ईंधन मैं क्यों डलवाती हूँ मुझे ये बताओ। और ये बंदा बोल रहा है इसके पास पैसे नहीं है, ये पैसे का काम करने जा रहा है, अभी मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बंदा बोल रहा है मेरे पास 5000 रुपए नहीं है, बताओ। रोहन FM चेंज कर रहे हैं। नहीं मैंने सर्च करके कर दिया, तुम्हारे गाँव के सारे चैनल लगा दिए मैंने। आ नहीं रहे फिर, कितना कितना अपडेटेड गाँव है मेरा की FM आता है। नहीं जी, हमारे हमारे करनाल का अपना FM चैनल है, पता है आपको? आपके गांव का नहीं होगा, तो करनाल का खुद का है। तो इतना बैकवर्ड एरिया है कि मतलब आपने खुद का एक सेटअप लगाना पड़ा, ऐसा नहीं मतलब पूरे देश से कनेक्टिविटी हो उसकी। शट अप, ज्यादा बेइज्जती कर। हमारे यहाँ तो हर जगह की कनेक्टिविटी है, हमारा अपना है, हम अपना सुनाते हैं। अपना तो वही होता है ना, जहाँ पे जैसे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे लोग। हाँ कुछ, हाँ हाँ तो कुछ नहीं, हम अपने अपने जोन में से निकलते नहीं है, हम अपने पसंद के गाने दूसरे को सुनाते हैं। मतलब इतना बैकवर्ड कैसे हो सकता है यार, फास्ट टैग हो गया कि क्या हो गया? प्रोजेक्ट ही बन गया, प्रोजेक्ट बन गया यार, भाई ने ना हर जगह। और ये वैसे करनाल वाला टोल टैक्स है, खुला 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 दे दे, बड़ी मुश्किल से बना, बड़ी मुश्किल से बना ये दे दे, बड़ी मुश्किल से बना। यहाँ तो वैसे मेरा आधार कार्ड भी लग जाता। हाँ जी, अब हम अपने गाँव में है। आधार कार्ड से निकाला तो नहीं तुमने? जब फास्टैग ने काम कर लिया तो फिर आधार कार्ड क्यों निकालना था? 100 रुपए बच जाते हमारे, मैं रोटी खा लेता एक टाइम। वो तो ससुराल में खातिरदारी होगी ना अभी जाके। वेलकम टू माय सिटी, अपडेटेड सिटी का कोई एक चैनल चला के दिखा दो, कोई एक। चलाना नहीं आ रहा तुम्हें? हां ठीक है, हमने मान लिया मैं चलाना नहीं आ रहा, मैं एक चैनल चला के दिखा दूं, गाने आ रहे हो। गाने क्यों हम न्यूज़ सुनाएंगे आपको? देखो हाँ हाँ चल तो रहा है, लेकिन इस बार आएगा ना, आ जाएगा, एक सेकंड लगेगा आने में। ये देखो ये भी चल रहा है, 6 में से 2 चल रहे हैं, ज्यादा बेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और ऐसा गाइस हम लोग पहुंच गए करनाल, काले काले लोग बदतमीज। हमने घर से उठा लिया ताशी को और आगे बैठे पापा, हाँ आगे से यू टर्न लेना है, उठा लिया हमने तेरे को, किडनैप कर लिया। ताशी बैठे इधर, रोहन और रोहन कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हम लोग आ गए यहाँ पे करनाल के कोर्ट, तो अभी हम वेट कर रहे हैं किसी का। और ताशी को देखो, ताशी को खुशी अलग है, छुट्टी कर रखी लड़के ने हमारे चक्कर में। अभी हम यहाँ पे किसी चीज़ का सौदा करने आए हैं, हमने वो चीज़ देखी भी नहीं है। हाँ गाइस, टाइम बढ़ता जा रहा है। ये मेरा लाल पर्स छूट नहीं रहा, ये मेरे हाथ से जा ही नहीं रहा, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे,
तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा काम हो जाए फटाफट, उसके बाद में हमें प्लाट भी जाके देखना है। हम लोग एक काम ऐसा करने आए हैं जो हम एक ऐसी मतलब लैंड खरीदने आए हैं जो हमने देखी ही नहीं है, भरोसे भगवान भरोसे मम्मी के और भाई के। है गंदा लग रहा है कितना, कैसा ये? अच्छा टाइप इसे पहली बार देखा होगा ना, ऐसे मैनुअल कुछ बोल रहे हैं नंबर के लिए बात कर रहे हैं टाइम हो चुके हैं 3 काले लोग बोल 3 बज गए हैं और हम लोग अभी तक कोर्ट में हैं। नवाब को 4 बार फोन करके पूछ चुकी हूँ, अभी तो ठीक है सो रहा है वो, और बस हम लोग यहाँ से जो प्लॉट लिया है वो देख के और फिर घर निकलेंगे। यहाँ पे मैडम कर रही है सिग्नेचर, ये मैडम के नाम हो गया प्लॉट। मुबारक है भाई को, ये मुबारक। तो गाइस अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं फाइनली, सारे साइन वगैरह हो गए, जो कैश जो पेमेंट थी वो हमने दे दी, और बस अब कुछ एक तो फोटो कॉपी करानी है डॉक्यूमेंट्स के, उसके बाद में हमें वो प्रॉपर्टी पे जाना है, देखना है, देखना भी तो है क्या है कहाँ है कैसा है। एक्चुअली भैया ने लिया था वो एक प्लॉट, उसके बराबर वाला प्लॉट हमने लिया है, तो इसलिए तो अब जाके हम लोग आए उस जगह पे। हम लोगों ने गाइस हम लोगों ने ना एक प्लॉट खरीदा है, और मैं चाहती थी एक खरीदा है, और इसके घंटे हो गए उसके, और इसके साथ वाला प्लॉट खरीदा जहाँ पे भाई ने खरीदा था उसके बराबर वाला, लेकिन मैं चाहती थी कि नवाब को लेके आऊँ यहाँ पे, अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो सबसे पहले कदम उसी के डालना चाहती थी, लेकिन एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से उसकी तबीयत खराब होगी, तो इस वजह से हम ला नहीं पाए। तो गाइज ये वाला प्लॉट है ये भाई का, मतलब कि ताशु का, और ये वाला प्लॉट है नवाब का, तो मामा और भांजे के दोनों के भाइयों के भाई भाई दोनों एक साथ हो गए, तो ये है प्लॉट। शहतूत का पेड़ कहाँ लगा था तू बोल रहा था? और गाइज वहाँ पे वो करनाल की जेल है, और उसके बराबर में ये जस्ट कॉलोनी है, और दूसरा प्लॉट भाई और का यहाँ पे है जो उन्होंने दूसरा लिया हुआ है, इसकी भी बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है। पापा और रोहन देख के चले गए, और ताशु तोड़ रहा है शहतूत, मैंने उसको बोला क्योंकि बहुत मीठी है, एक तो बहुत दिनों बाद खाई शहतूत और ऊपर से मीठी निकली, तो मैंने उसको भेज दिया, मैंने कहा थोड़ी सी और तोड़ के ला, अच्छी लग रही है, और बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉपर्टी बनी आखिरकार। रोहन बोल रहे थे मेरे को, जब से हम लोग ये प्लॉट भैया और देख रहे थे ना मेरे लिए, तो बोल रहे थे कि अब आपके पास एक ऐसी जगह है कि अगर आपका आपके मूड स्विंग हो, मुझसे लड़ाई करके जाने का मन हो, और आपको लगे कि नहीं मुझे मम्मी के घर नहीं जाना, तो आपका प्लॉट है, आप उसे बनवाओ, उसे बेचो, कुछ भी करो, अब आपकी प्रॉपर्टी है आपके शहर में करनाल में। गाइज तोड़ के लाए कुछ दिखाओ, अरे वाह मिठी है बहुत, एक आपके प्लॉट पर लगा देंगे। अच्छा जी हमारे प्लॉट पे गाइस सब्जी वगैरह लगा दो कुछ, है ना, भिंडी टिंडे। और अब हम लोग निकल गए घर के लिए, खाना खा के थोड़ा सा मम्मी से मिलके नमस्ते बाय बाय करके हम लोग निकले हैं नोएडा के लिए, क्योंकि हमें घर जाके नवाब को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। ताशु ने और मैंने खरीदी है मिठाई सबका मुंह मीठा कराने के लिए, और बस फटाफट सबका मुंह मीठा करा के और हम लोग यहाँ से 2 मिनट के अंदर निकलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे थाली में ये देखो कि हरी मिर्च और नमक, यहाँ पे भी बंदे को अलग से मिली है। दामाद जी अंगना में पधारे, और मैं खा रही हूँ समोसा। बिहेव लाइक ए बेटा, नहीं आप हो ही बेटे की तरफ। अच्छा मम्मी आपको कभी ऐसे जमाई की तरफ ट्रीट करती है? नहीं ना, करती है कब, जब पैसे देती है और कब करती है बताना, क्यों नहीं करी प्रॉपर्टी अपने नाम मेरे नाम शर्म करो, पैसा चाहिए या रिश्ते चाहिए? पैसा मुझे, रिश्ते चाहिए, मुझे मायका चाहिए, पैसा चाहिए।
तो ले दिया ना उन्होंने बराबर में प्लॉट, पैसा भले ही आपका गया, पड़ोसी बना लिया ना। अब उस पहले ना बिल्कुल कैमरे में घुस ही गए, अब ठीक लग रहा है। बाय बाय। पापा को पता है ना व्लॉग बन रहा था जून में, गए जून में। ओके ओके, बाय बाय। तो अब हम लोग निकल गए नोएडा के लिए, और ये इंसान इतनी बकवास करता है, इतनी बकवास करता है, जब भी हम करनाल आते हैं कसम से मन तो करता है कि लगा दूं। क्या लगाना है मेरे को? क्या क्या बोल रहे हो तुम बताना जरा। नहीं तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जैसे हाँ। देखो ये वाला पेट्रोल पंप है। हाँ। तो ये वाला पेट्रोल इस दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप है। अच्छा। हाँ, किसने बोला? क्योंकि ये करनाल में है। हाँ तो है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा पेट्रोल पंप है। जब फर्स्ट टाइम इसे पेट्रोल डलवाया था तो हम यकीन नहीं कर पाए थे ना, हमें लगा था फेक है। तो हम लोग बस चलते ही जा रहे अभी केएमडी पे चढ़े हैं, अभी यहाँ से भी एक से सवा घंटा दिखा रहे हैं, और नवाब से बात हुई है, नवाब बैठा है अभी आराम से, बस पहुँचेंगे उसके पास फिर उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। और सेम वो वाला टोल आ गया सुबह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ हुई थी, पता नहीं और छोटा भी दिख रहा है। नहीं तो फाइनली हम लोग पहुंचे घर, और अब हम उठाएंगे गुड्डा को। बोलू बोलू एकदम आया मैं बच्चा, गुड्डू आगे पापा। नहीं पापा, अले 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 अले, मेरा ठीक है मेरा बच्चा। नवाब को उठाया घर से, विस्की को भी उठाया घर से, ठीक है। इधर नवाब बैठा है, अभी अनुराग आ रहा है। इधर अपनी मिर्ची, आज जा रहे चार चार बच्चे हॉस्पिटल, चारों कुछ ना कुछ बीमार है। इधर मिर्ची, इधर हैची, इधर हमारी विस्की, विस्की कोई पोटी में ब्लड है, और इधर नवाब। नवाब सारे दिन रहता तो है उसके साथ में, अभी तो किस्तियाँ विस्तियाँ करनी है। अच्छा सबसे पहले मिर्ची को स्टार्ट किया है, नवाब और विस्की दीदी। विस्कू बहुत दिन बाद आई बच्चे, विस्की को सर ब्लड आ गया पोटी में। यूरिन में तो नहीं है? नहीं यूरिन में नहीं है, नहीं है यूरिन में नहीं, पोटी में। इसका टेंपरेचर देखना था तो खड़े क्यों, देखो फटाफट देखना, बस आज का दिन और सही निकल जाए। गुड्डा मैं नहीं जा पाता ना आपके पास, जब उसको नीडल वगैरह लग रही होती है सब कुछ। नवाब की ड्रिप वगैरह कंप्लीट, इंजेक्शन, और मैं और नाब बैठे हुए, इधर हमें कंपनी देने अनुराग भी आके ठीक है। आप ये कह रहे हो लंगर बट रहा है, हम दोनों बैठे खुद भी आगे बैठ गए, नाम बुध में नाम कह रहा है घर जाना है, मम्मा अब हो गया और मुझे भी घर जाना है। आज तो भूख नहीं लग रही, नींद आ रही है सीधा, लेकिन इसके बाद मुझे फीडिंग के लिए भी निकलना है। अब हम लोग निकल रहे हैं क्लिनिक से, अभी चारों बच्चों को सेटिंग करनी है, बिठाना अच्छे से, उसके बाद घर पहुँच के मेरे को पीना है पानी, मैंने पानी भी नहीं पिया, फिर फिटिंग के लिए निकलेंगे। वो तो है, पहले मुझे लगा था कि हम लोग दो ऑटो में और दो उसमें आ जाएंगे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। इधर मेरी विश्की जी थी, इधर हमारे नाव भैया खड़े हैं। तो नवाब साहब आ गए हैं हॉस्पिटल से, और उनके भाई बंधु पूछ रहे हैं उनका हाल चाल। तो आ जाओ गाइस, खाना खा लो। हाँ नाबू ने कच्चा भी नहीं उतारा है, मेरी और रोहन की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो मैं फटाफट खाना खा के आ गई फीडिंग करने, और आज ना मंडी भी है तो पहले सब्जियां खरीदूंगी, उसके बाद में बच्चों को खाना खिलाऊंगी। सबसे पहले सब्जी खरीदी, और अब जय को पकड़ा के जा रही हूँ, और कट्टा तो मैंने उठाया नहीं फीडिंग का कट्टा लेके अब निकलती फीडिंग। हाँ जी हाँ जी, गुर्रा सुनो, मैं निकली फीडिंग के लिए। ये कौन सा है, तू कैसे अंदर है, देखना जाते क्यों भाई,
दूसरों के प्लॉट्स में जाते क्यों हो? अब रो रहे हैं, अब इसे निकालो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आओ। गुर्रा पागल पागल हो जाता है क्या कुछ है? ये देखो 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 देखो, स्वीटी एंड ट्वीटी है, ठीक है। मैंने दो जगह खाना रखा है और दूरी देख लो कितनी कितनी है, लेकिन फिर भी इन माँ बेटी को ये खाने नहीं देगा। अब मैं तब तक खड़ी रहूंगी जब तक ये खाना ले, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लग जाता है टाइम। ये शरारती है बच्चा, क्यों क्यों गुस्सा कर रही है, है? ये देखो स्वीटी एंड ट्वीटी को देख लो, पता इनको पता नहीं क्या स्वाद आता है इन बच्चों को खाने में अपना छोड़ के। गुड्डू की तबीयत थोड़ी ठीक है, बाकी इसके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होने हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी कल रात को, कल शाम को, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इतनी थक गई हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल शाम को रिपोर्ट्स आएंगी, फिर मैं आप सबको अपडेट करूंगी। इधर हमारी विस्की दीदी है, विस्की दीदी अपने नाम कैसे देख रही है। तो विस्की दीदी की पोटी में भी ब्लड आ गया था आज सुबह, तो इनको भी ड्रिप लगी है। और विस्की दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी ऑडियंस से? तो आज विस्की कह रही है कि आप सभी को शुभ रात्रि मेरी तरफ से, अब मुझे सोने दो प्लीज। तो गाइज आप लोग मेरी आंखों की हालत देख के समझ सकते हो कि मैं हम लोग कितना थक गए हैं। रोहन चले गए हैं नवाब की दुनिया में, जाके सोएंगे, और मैं करके आई हूँ फीडिंग, और बस अब सोना है। कल मिलेंगे आप लोगों से नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आज सभी को शुभ रात्रि।